तो वहीं राज्य में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.5% मतदान कम होने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाए, लेकिन विपक्ष की सक्रियता ना होने की वजह से यह मत प्रतिशत घाटा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपने हैं 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कोई बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता हताशा रही है, इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है।